Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Main hoon Waheed ullah aur aap log dekh rahe hain Waheed ullah speeches YouTube channel. Main aap logo ke samne Qadianiyon par tukna Qadiani kon hain aur Qadiani ki haqeeqat kya hai. Aajkal Qadianiyon ka fitna bahut tezi se phail raha hai, hamare gharon tak bhi pahunch chuki hain. इसके बारे में मैं बात करूंगा. आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो. तो चलिए आगाज़ करते हैं. ऐ मुसलमानों, अगर हमसे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत छीन गई तो फिर हमारे जुली में क्या रह जाएगा. किस कदर दर्दनाक अजाब हैं कि हम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से महरूम होकर किसी कज़ाब की तरफ मंसूब होकर मरें. तुक दो हर कदियानी पर और कदियानियों से नरमी करने वालों पर तुक दो. हर मलून गोहर शाही और हर यूसुफ कज़ाब पर. मुसलमानों, मर जाना, कट जाना और जल जाना बर्दाश्त कर लो, मगर हतमी नबूवत के ताज की तरफ कोई उठने वाला हाथ बर्दाश्त ना करो. कदियानियों, फितना दरअसल मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी सियासी साजिश है. पाकिस्तान की जड़ों में ये फितना घुसा हुआ है. कई बड़े सहाफ़ी, कई अहम ब्यूरोक्रेट, कई बड़ी फ़ौजी और सियासतदान या तो खुफिया कदियानी हैं या कदियानियों के अमनवा हैं. पाकिस्तान का जो इदारा, जो आलम, जो तंजीम कदियानियों के ख़िलाफ़ काम करें, अमरीका और बरतानिया फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ इकदाम शुरू कर देती हैं. कदियानी चूहे उन उलमाए किराम को धमकी आमेज़ खतूत भी लिखते हैं जो उलमाए किराम कदियानियों के ख़िलाफ़ काम करते हैं. अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों को कदियानियों को फितने से बचाएं. बहुत सारे मुसलमान तबाह बर्बाद हो चुके हैं. अल्लाह ताला हम सब को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाएं. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक इजाज़त दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.